नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। क्लास फोर, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 13, फील्ड्स एंड फेंसेस। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी सॉन्ग्स ऑफ प्रैक्टिस टाइम। बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रैक्टिस टाइम सॉन्ग्स, लेट्स रिवाइज द कॉन्सेप्ट विच वी लर्न इन आवर प्रीवियस वीडियो। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी जस्ट स्टार्टेड न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, फील्ड्स एंड फेंसेस। तो अब यहाँ पे हमने फील्ड एंड फेंसेस के बारे में प्रीवियस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेंसेस। द फील्ड मीन्स इंटरनल एरिया जो होता है वो, और फेंसेस मीन्स के जब हम बाउंड्री काउंट करते हैं वो। देन नेक्स्ट हमने दो फार्मर की जो कन्वर्सेशन थी वो सीखी थी, देखी थी कि फार्मर अंकल जो है उनको फेंसिंग लगानी है बॉर्डर पर, तो बॉर्डर की मेजरमेंट करनी पड़ेगी, टोटल लेंथ कैसे फाइंड आउट करते वो हमने सीखा था। देन नेक्स्ट क्या हो रहा था कि वो फार्मर अंकल ज्यादा वायर लेके आ रहे थे फेंसिंग लगानी थी उसके लिए, तो वो क्या कर रहे थे, बची हुई जो वायर थी वो दूसरे फार्मर को दे रहे थे फील्ड में लगाने के लिए, फेंसिंग करने के लिए। फिर हमने टोटल लेंथ फाइंड की थी दूसरे फार्म की, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया था, हमने वो कैसे टोटल फाइंड आउट करना है वो सिखाया था। फिर बची हुई वायर में से वो अंकल ने यूज कर ली थी, सेकंड फार्मर थे उन्होंने यूज कर ली थी जो फेंसिंग वायर बची थी 16 मीटर, वो यूज की थी, और रिमेन कितनी लेनी थी वो हमने सीखा था। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमने कवर कर लिया था। नाउ वही बेसिक कॉन्सेप्ट और बेस के ऊपर आपको प्रैक्टिस टाइम सॉन्ग्स दिए हैं। सो हियर ऑन पेज नंबर 151 लेट्स सी द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम मोर फील्ड्स, फाइंड आउट व्हिच वन हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि यहाँ पे हमें थोड़े बहुत पिक्चर्स दिए हैं वो हमें देखने हैं और फाइंड आउट करना है कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो कौन से पिक्चर की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं उनकी टोटल बाउंड्री फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो फाइंड आउट करेंगे बाद में हमें पता चलेगा कि सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री किनकी है, कौन सा फील्ड की है। सो हियर फर्स्ट वन ए देखें, तो पिक्चर ए में आपको यहाँ पे दिया है 6 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर एंड 24 मीटर। ये फोर जो साइड्स है उनकी मेजरमेंट यहाँ पे दी है। नाउ अब हम यहाँ पे बाउंड्री देखेंगे कि बाउंड्री जो है राइट वो कितने मीटर की है, टोटल फाइंड आउट करेंगे बाउंड्री के, ठीक है। तो बाउंड्री में टोटल बाउंड्री जो होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 6, 15, 15 एंड 24 को हम ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, तो 6 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 24 टोटल बाउंड्री होगी 60 मीटर्स की। सो इन द फर्स्ट ब्लैंक यू हैव टू राइट आंसर 60 मीटर्स। देन सेकेंड वन में भी यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे हमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बाउंड्री दी है, तो जो 6 बाउंड्री हमें दी है उनका हम एडिशन परफॉर्म करेंगे 9, 6, 3, 6, 6 एंड 12। तो यहाँ पे हम एडिशन जो परफॉर्म कर रहे हैं उनका आंसर टोटल आ रहा है 42। तो ये जो सेकंड पिक्चर है बी वाला उनका आंसर होगा 42 मीटर। देन नेक्स्ट ईयर सी, सी में कैसा ट्रायंगल शेप दिया है तो वो भी हम देखते हैं कि उनकी जो बाउंड्री है वो टोटल कितनी लेंथ होती है, 9, 12 एंड 15 को हम ऐड करेंगे, तो 9 प्लस 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 36। तो थर्ड पिक्चर की बाउंड्री जो हुई फिल्म की बॉर्डर जो हुई वो 36 मीटर की हुई। देन नेक्स्ट ईयर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे बॉर्डर दी है 9, 9, 15, 15, 15, 15।
4 times 15 and 9 2 times. तो यहाँ पे इनका टोटल करने से आंसर आया 78. तो ये जो पिक्चर में डी वाला उसका आंसर 78 मीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल लेंथ जो थी वो एबीसीडी की फाइंड आउट कर ली. 60 मीटर, 42 मीटर, 36 एंड 78. नाउ हियर वी कैन से व्हिच पिक्चर हैविंग लॉन्गेस्ट बाउंड्री, व्हिच फील्ड हैविंग लॉन्गेस्ट बाउंड्री. तो बिग डिजिट यहाँ पे है 78. तो ये जो पिक्चर है, पिक्चर डी, उसकी बाउंड्री लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट है. सो हियर वी कैन राइट आंसर पिक्चर डी और फील्ड डी, एफ आई एल डी, फील्ड डी, लॉन्गेस्ट बाउंड्री. ये जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री का क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा था तो हमने उनको आंसर फाइंड आउट कर दिया, टोटल फाइंड आउट करके. तो यहाँ पे हमने बाउंड्री जो है वो कैसे मेजर करनी है, टोटल लेंथ कैसे फाइंड आउट करनी है वो हमने सीखा. साइड्स जो है उनका टोटल बता के, एडिशन बता के. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. नाउ ऑन पेज नंबर 152, चंदूस फादर इज कॉल्ड द यंग ओल्ड मैन इन हिज विलेज. एट 70 इयर्स ऑफ एज ही इज फुली फिट. Do you know his secret? He goes for a walk around the field every morning. Every day he takes 4 rounds of Chandu's field. तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि चंदू के फादर जो है वो एकदम हेल्दी एंड फिट है. 70 इयर्स की एज है उनकी, तो भी वो एकदम हेल्दी एंड फिट है. क्या आपको पता है उनका सीक्रेट क्या है कि वो एकदम हेल्दी एंड फिट क्यों है 70 इयर्स ओल्ड होने के बाद भी? तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं कि वो एवरी मॉर्निंग जो फील्ड है चंदू का वो उनके जो बॉर्डर होती है उसके ऊपर राउंड लगाते हैं 4 टाइम्स. तो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया है ये जो चंदू के फादर है वो राउंड लगाएंगे 4 टाइम्स यहाँ पे चंदू के फील्ड में. यहाँ से शुरू करेंगे और कंप्लीट करेंगे, ऐसे 4 टाइम्स वो राउंड लगाएंगे, वॉकिंग करेंगे डेली मॉर्निंग में. वो यही करते हैं, दैट्स व्हाई वो वॉकिंग करने की वजह से एकदम हेल्दी एंड फिट है. नाउ हियर नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर्स. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि टोटल कितना डिस्टेंस वो डेली कवर करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चंदू जो है उनका जो फार्म है उनकी टोटल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए तो 100 प्लस 100 200 एंड 150 प्लस 150 300, 200 प्लस 300 500 मीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है चंदू के फार्म का. चंदू के फार्म का टोटल डिस्टेंस वन टाइम वो चंदू के फादर कंप्लीट करे तो 500 मीटर तक वो वॉकिंग करते हैं. अब यहाँ पे तो हमने ये कहा है कि वो 4 टाइम्स राउंड लगाते हैं. तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 500. 500 वन टाइम वाला राउंड एंड 4 टाइम वो राउंड लगाते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे रखा है. नाउ नेक्स्ट, 5 4s आर 20 एंड 2 0 इज, तो यहाँ पे आंसर आया 2000 मीटर. अब यहाँ पे हम देखें तो 2000 मीटर हमारा आंसर है, राइट? तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो 2000 मीटर हो तो हम उनको बोल सकते हैं 2 किलोमीटर. सो हियर इन दिस ब्लैंक्स यू हैव टू राइट आंसर एंड फिल अप योर टेक्स्ट बुक. फर्स्ट ब्लैंक 500 मीटर, सेकेंड ब्लैंक 2000 मीटर एंड थर्ड ब्लैंक
बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, गणपत्स वाइफ वर्क्स इन अ टेलर शॉप। शी हैज टू फिक्स लेस अराउंड अ टेबल क्लॉथ। शी बोट अ 100 मीटर रोल ऑफ लेस। अब जो टेबल के ऊपर क्लोथ रखते हैं ना, कवर करके ढक के रखते हैं टेबल खराब ना हो इसलिए, और एकदम पैटर्न वाली जो आते हैं क्लॉथ वो भी रखते हैं, फिर इसके ऊपर बॉर्डर बनाते हैं, फेंसिंग करते हैं, जैसे फील्ड में वैसे टेबल में जो क्लॉथ रखते हैं उनकी बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, तो गणपत जो है उनकी वाइफ है वो टेलर शॉप में वर्क कर रही है, फिर उनको टेबल में जो टेलर की शॉप में एक टेबल होता है, फिर उसके ऊपर बॉर्डर लगानी है, उनके ऊपर क्लॉथ रखना है, क्लॉथ जो है उसके ऊपर बॉर्डर लगानी है, लेसिंग जो आती है वो रखनी है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो 100 मीटर का रोल लेके आती है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये 100 मीटर का जो रोल लिया है लेस का रोल है। नाउ नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर ऑफ द टेबल क्लॉथ एंड टेल हाउ मच लेस इज यूज्ड फॉर 1 टेबल क्लॉथ। अब पहले यहाँ पे हमें पिक्चर देखना है। हियर वी हैव टू ऑब्जर्व दिस पिक्चर। फर्स्ट वन हियर, ये जो है वो टेबल की बॉर्डर पूरी दी है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये जो है वो लेसिंग लगानी है वो पार्ट दिया है। तो 4 मेजरमेंट यहाँ पे आपको दिए है। फर्स्ट वन है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अब बेसिकली हम देखें तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये जो टेबल है वो कौन से शेप में होगा? रेक्टेंगल। वेरी गुड, तो ये जो रेक्टेंगुलर टेबल है उनका कवर बनाना है, बनाया है, उनकी बॉर्डर बनानी है। तो लेस यहाँ पे ये 4 टोटल हम करेंगे तो हमें टोटल कितनी लेस चाहिए होगी वो पता चलेगा, 4 साइड्स का टोटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें 2 मेजरमेंट दिए हैं, मीटर एंड सेंटीमीटर, तो हम उनको अलग ही ऐड करेंगे। मीटर एंड सेंटीमीटर 2 पार्ट्स। देन नेक्स्ट ईयर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, देन नेक्स्ट 50 50 सेंटीमीटर, 50 50 सेंटीमीटर। तो टोटल सेंटीमीटर्स यहाँ पे हुए 200 सेंटीमीटर्स, एंड देन नेक्स्ट 1 प्लस 1 2 मीटर्स। अब यहाँ पे ये जो 200 मीटर्स आंसर आया है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। तो ये 200 सेंटीमीटर जो हमारा आंसर आया है इसको हम क्या बोल सकते हैं? 2 मीटर्स। और 2 मीटर्स ये जो एक्स्ट्रा थे वो यहाँ पे हमने टोटल किए थे वो, तो 2 मीटर प्लस 2 मीटर आंसर 4 मीटर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेन में टोटल लेस जो है वो 1 टेबल के लिए 4 मीटर की चाहिए होगी। नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच लेस विल बी यूज्ड इन सच 3 टेबल्स क्लॉथ। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 3 टेबल्स के लिए कितनी चाहिए होगी। इफ वी यूज 4 मीटर फॉर 1 टेबल, देन 3 टेबल्स इज इक्वल टू 3 × 4। 3 टेबल्स की हमें बॉर्डर बनानी है, दैट्स व्हाई 3 एंड 4 मीटर 1 टाइम यूज कर रहे हैं, 1 टाइम में 4 मीटर, दैट्स व्हाई 4। 3 times 4, 3 4 are 12। तो 3 टेबल्स के लिए यहाँ पे हमें 12 मीटर लेस चाहिए होगी। नाउ नेक्स्ट ईयर हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन द रोल। अब रोल में कितनी लेस बची? तो गणपत की वाइफ ने तो 100 मीटर का पूरा रोल लिया था, अब यहाँ पे टोटल 100 मीटर का रोल था। यूज्ड कितना किया हमें, हमने यहाँ पे यूज कितना किया, तो यूज हमने किया 12 मीटर। ये जो 12 मीटर हमने यहाँ पे 3 टेबल्स के लिए यूज किया वो। अब रिमेन कितना रहा, बचा कितना? तो 100 − 12 आंसर 88। तो यहाँ पे 88 मीटर जो है वो बच
बच्चा है। लेस जो है उनके रोल में 88 मीटर लेस जो है वो रिमेन है। सो हियर इन द लास्ट ब्रेक यू हैव टू राइट आंसर 88 मीटर। नाउ हियर वी कंप्लीटेड प्रैक्टिस टाइम सम्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नाउ वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।